आ તરફ પંચમહાલ જિલ્લાના વાતાવરણમાં પલટો સવારથી વાતાવરણમાં સારો વરસાદ છે ગોધરા અને મોરવા હડફમાં વરસાદી માહોલ મોરવા હડફના મોરા પંથકમાં ધીમી ધારે વરસાદ વરસ્યો છે તો ધરતીપુત્રો કાગડોળે વરસાદની રાહ જોઈ રહ્યા છે ભારે ઉકળાટ વચ્ચે વરસાદથી ગરમીમાંથી આંશિક રાહત મળી સવારથી વાતાવરણમાં પલટા સાથે વરસાદ વરસ્યો છે ભારે ઉકળાટ બાદ આ વરસાદ વરસતા शहरीजनों खुश तो आ सार्वत्रिक वरसाद थी खेडूतों माटे आशीर्वाद रूप आ वरसाद संवाददाता जयेंद्र भोई फोन लाइन पर जोड़ाया छे जे जयेंद्र सवार थी पंचमहाल में अलग अलग पंथक में वरसाद छे क्या केटलो वरसाद बिल्कुल जूही जे प्रमाणे वरसादी माहौल पंचमहाल नी अंदर छवायो छे पंचमहाल ना खास करीने जे मोरवा हड़फनो मोरा विस्तार गोधरा शहर छे ने गोधराना जे ग्राम्य विस्तारो छे आ तरफ वहेली सवारथी ज धीमी धारे वरसाद पड़ी रह्यो छे जो के हजु मापणी थई शके तेटलो वरसाद चोक्कसथी नथी पड्यो परंतु जे प्रमाणेनो वरसादी माहौल आ विस्तारनी अंदर छवायो छे तेने लई अने धरतीपुत्रो चोक्कसथी खुश छे कारण के एक तरफ ज्यारे हवामान विभाग कही रह्यु छे के वरसादनी हाल कोई शक्यता नथी तेवानी अंदर ज विपरीत परिस्थितिओमां हाल वरसादी माहौल छवायो छे जेने लईने धरतीपुत्रों में चोक्कसथी एक खुशीना समाचार छे ने खास करीने जे लोको वावणी माटे अने डांगर रोपणी माटे जे वरसादनी राह जोता हता तेमना माटे पण खूब सारा समाचार छे जोई बिल्कुल तमाम जानकारी बदल आभार जयेंद्र तो पंचमहाल में सवारथी सार्वत्रिक वरसाद छे अने हजु पण 24 कलाक सुधी आ स्थिति रहेवानी हवामान विभागनी आगाही छे परंतु जोईए तेटलो वरसाद हजु नथी पड्यो जेने लईने धरतीपुत्रो कागडोळे वरसादनी सारा वरसाद की राह जोई रहा छे વરસાદી ઘટ વચ્ચે ખેડૂતો માટે માઠા સમાચાર છે આગામી ચાર દિવસ રાજ્યમાં નહિવત વરસાદની હવામાન વિભાગની આગાહી છે 15 ઓગસ્ટ સુધી સારા વરસાદની જે શક્યતા છે તે નહિવત બતાવવામાં આવી રહી છે ગુજરાતમાં હજુ પણ 41% વરસાદની ઘટ છે સારા વરસાદ માટે ખેડૂતોએ હજુ રાહ જોવી પડશે ચોમાસું પાકનું વાવેતર કર્યા બાદ ખેડૂતો કાગડોળે વરસાદની રાહ જોઈ રહ્યા છે પરંતુ વરસાદ ખેંચાતા ખેડૂતોની ચિંતા વધી ત્યારે હવામાન વિભાગે પણ ખેડૂતોની મુશ્કેલી વધારતી આગાહી કરી છે હજુ આગામી ચાર દિવસ સુધી રાજ્યમાં ભારે વરસાદની કોઈ શક્યતા નથી જેથી 15 ઓગસ્ટ સુધી હજુ ખેડૂતોએ સારા વરસાદ માટે રાહ જોવી પડશે જો વરસાદ વધુ ખેંચાય તો ચોમાસું પાક નિષ્ફળ જાય તેવું ખેડૂતોને ભય છે વહેલી તકે મેઘરાજા મહેરબાન થાય તેવી ખેડૂતો પ્રાર્થના કરી રહ્યા છે હાલ તો હવામાન વિભાગની આગાહી પ્રમાણે ખેડૂતોની ચિંતા વધી છે अभी गुजरात में ज़्यादा बारिश होने का संभावना नहीं है मोस्टली नॉर्थ गुजरात कच्छ ड्राई रहेगा और साउथ गुजरात में और कोस्टल सौराष्ट्र में छुटपुट बारिश होने का संभावना है और कल परसों नॉर्थ गुजरात में भी लाइट टू मॉडरेट रेन हो सकती है लेकिन अभी रेन ज़्यादा रेन मिलने का कोई संभावना नहीं है और सिस्टम नहीं है अभी 15 अगस्त तक बारिश ज़्यादा नहीं रहेगा गुजरात स्टेट में 41% डेफिशिएंट है गुजरात स्टेट एज ए होल काफ़ी डेफिशिएंट है लेकिन एग्रीकल्चर के लिए आज तक तो ठीक था अभी जो डेफिशिएंट रहेगा अभी आगे बारिश होने का संभावना नहीं है थोड़ा सा मुश्किल तो रहेगा मोस्टली एक वेट स्पेल का बाद एक ड्राई स्पेल भी आता है लेकिन गुजरात में अभी 29 जुलाई तक भी बारिश था अभी ये हफ्ते में बारिश नहीं है अगले हफ्ते में भी बारिश नहीं है जब ड्राई स्पेल कभी कभी ड्राई स्पेल 7 दिन का होता है कभी कभी नियरली 15 डेज भी होता है ड्राई स्पेल ये नया नहीं है ड्राई स्पेल होता है लेकिन प्रॉब्लम ये है कि गुजरात में इस साल ज़्यादा बारिश नहीं हुआ है लेकिन 3 स्पेल हुआ है वो जो 3 स्पेल हुआ है अच्छा रेन हुआ है और एग्रीकल्चर के लिए बहुत अच्छा था अगस्त का 2nd वीक का बाद हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं आज ऑफ नाउ तो कुछ सिस्टम नहीं है जो बारिश देगा गुजरात को